और रांची में 10 जून को हुई हिंसक घटनाओं में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर रांची पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन शाम होने से पहले ही सारे पोस्टर हटा लिए गए। अब पोस्टर लगाने और हटाने के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर रांची पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया था, लेकिन शाम होने के पहले ही सारे पोस्टर हटा लिए गए। रांची पुलिस का कहना है कि पोस्टर में कुछ करेक्शन किया जाना है, जिसके बाद जल्द दोबारा लगा दिया जाएगा। लेकिन पोस्टर लगाने और हटाने के पीछे सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने अपने तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तब पोस्टर लगाने का क्या औचित्य है? हमारी पुलिस कमजोर है क्या? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही हैं, और जो सरकार या प्रशासन को उचित लगेगा, प्रशासन ने तो कहा है कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो अब हम प्रशासन पर छोड़ दें, पुलिस पर छोड़ दें, क्या संशोधन करके वो कैसे क्या करेंगे। लेकिन जिस कदर से पोस्टर लगाए गए थे उस पर आपत्ति है। ये झारखंड है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ सभी पूरे आपस में भाईचारा को बना के रखते हुए हम लोगों को सरकार चलानी है। जो भी दोषी होगा, जो भी उपद्रवी होगा, किसी जात किसी धर्म का, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कार्रवाई होगी और हो भी रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी झारखंड सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की जनता सब देख रही है कि ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घट रही है, और सचमुच में जनता समझ नहीं पा रही है कि ये किस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। इनकी सरकार है, इनकी पुलिस पोस्टर लगाती है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है, उनको सार्वजनिक किया जाता है, उनके चेहरे सार्वजनिक करती है, और आप सब देख रहे हैं कि उसको आधे घंटे के अंदर में उतार दिया जाता है। जनता बहुत ही मतलब हतप्रभ है, आश्चर्य में है कि आखिर ये कैसी सरकार है और ये सरकार कैसा शासन चलाना चाहती है। इसलिए निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो जनता इन सारी चीजों का जवाब देगी। बहरहाल राजधानी रांची में हुए उपद्रव के बाद लोगों में रोष और दहशत है। दंगाइयों को लेकर भले ही राजनीतिक पार्टियां अपना मुनाफा और नुकसान देख रही हो, लेकिन ये सच है कि उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।